प्यारे किसान साथियों, मैं दोबारा अपना वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ना कि भी हमने जो डॉक्टर किशन चंद्रा जी के बताए हुए उस काम पे हम लोग काम किया और उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है, वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूं। ये पहला हमने प्रोम बनाया था, जिसको कि अपने डॉक्टर साहब ने बताया था कि इसमें गोबर और अपना रॉक फास्फेट डाल के आपको ये बनाना है। तो ये देखो, आप हम इसको दबा भी रहे हैं तो देखो ये पूरा मतलब कहीं पर भी हाथ पर चिपक नहीं रहा, आप देख रहे हैं ना। और फिर हमने क्या है कि इसको अपने पूरे पॉली हाउस में इसको यूज़ किया है, और यूज़ करने का तरीका हमने जैसा कि बताया उन्होंने डॉक्टर साहब ने, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं पूरे तरीके से। ये सामने आप हमारा देख रहे हैं, ये पॉली हाउस है और ये ओपन में हमने पत्ता गोभी, फूल गोभी और टमाटर किए हुए हैं। और आज मतलब हमारा करीबन क्या है कि चौथा लान निकल रहा है, चौथा लान से मतलब चौथा हम लोग मटेरियल निकाल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है और जिसकी क्वालिटी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि ताकि आपको लगे कि ना कि भाई इसकी क्वालिटी क्या निकल कर आई है। ये हमारे टमाटर के प्लांट हैं, तो आप देखेंगे टमाटर कितना अच्छा टमाटर उस पर हो रहा है, और ग्रीनरी भी मेरे इस पर प्लांट पे ये हो रही है। और अच्छा, ये दूसरा आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये फूल गोभी है। आप देखेंगे कि ना कि फूल गोभी का साइज़ देखिए कि इसमें, मैं समझता हूँ कि ना कि भाई कम से कम दो परिवार आराम से इसमें इस गोभी की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। और सामने आप अब देख रहे हैं हमारा ये पॉली हाउस है, जिसमें कि हमने इसको सारा मटेरियल जो प्रॉम हो गया, पत्थर से बनाया हुआ अपना मटेरियल हो गया, दूसरा अपना डीकम्पोजर हो गया और हमारा 11 पत्ती का घोल हो गया, वो सब हम क्या है कि ना कि पूरा इस क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स इतने ओरिएंटेड हैं। तो मैं तो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा अपने डॉक्टर चंद्रा साहब को और अपने डॉक्टर जगत सिंह जी को कि इन्होंने हमें मतलब एक कहते हैं ना नई जीवनी के रूप में एक प्रोडक्ट दिया, जिससे कि हमारी लाइफलाइन ही चेंज हो गई है। तो अभी क्या है ना कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ना कि हमारे पॉली हाउस से जो मटेरियल निकला है उसकी क्वालिटी और उसका वेट मतलब कितना अच्छा है कि मतलब अब तो हमारे जो पिताजी कभी कहा करते थे कि यार ये कौन सी बॉटल है, ये क्या ले आया है तू, पता नहीं क्या नहीं, आज वो खुद ही मतलब उस चीज़ से आश्चर्यचकित हैं। आप ये देखिए सामने आप मटेरियल देख रहे हैं आप हमारा, ये हमारी लाल पीली शिमला मिर्च जो कि हम बता रहे थे, ये हमारी गाँव की बहनें हैं जो कि यहाँ पर अपने इसमें अपना योगदान दे रही हैं। और इसका मैं एक आपको आपके सामने मैं इस मटेरियल का वेट भी करा के दिखा रहा हूँ कि कोई भी अगर आप उठा के देखेंगे ये प्रोडक्ट का मतलब क्या असर है वो दिखा रहा हूँ। जैसे कोई भी मिर्च उठा लीजिए, इसका वेट मिनिमम कम से कम 200 ग्राम आ रहा है मिनिमम। ये देखिए, जैसे आप देखेंगे इसका वेट देखो 260 ग्राम्स मतलब इसका वेट आ रहा है। कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, कोई भी, जैसे अपन ये शिमला मिर्च उठा लेते हैं, ये देखिए जैसे जैसे ये मिर्च 300 ग्राम। तो अब तो क्या है कि ना कि हमें भी ये लग रहा है कि ना कि पता नहीं क्या कि चार मिर्चों में एक किलो पूरे हो जाएंगे क्या। और ये आप देखें इनकी क्वालिटी देखें, ये देखो मतलब इसमें कितनी येलो इसमें है। और दूसरा ये देखो, ठीक है कच्चा माल है एकदम पूरा। और हमारा ये एक हमें एक थोड़ा सा मार्केट में जब दिल्ली, अब आज ये दिल्ली जा रहा है और हमें एक जो एक अच्छी चीज़ जो मिलती है दिल्ली फीडबैक से कि हमारा माल अभी क्या इस पे स्टिकर चिपकाएंगे हम, तो हमारा ये माल खाली नाम से बिक रहा है आज के दिन, ये स्थिति है। और ये देखिए रेड की भी यही पोजीशन है हमारे जो रेड शिमला मिर्च है, ये देखिए ये क्वालिटी देखिए। इवन आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ना कि पिछली बार जब हम दिल्ली माल लेके गए थे तो हमने एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाया था, तो उस पेट्रोल वाले ने बोला कि भैया आप एक बात बताओ कि जो आपकी गाड़ी में ये माल है इस सीज़न में आप आम और सेब कहाँ से ला रहे हो। तो हमें इतनी खुशी हुई जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए आप इसका भी मैं वेट करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए 220 ग्राम, मतलब मिनिमम जो है वेट जो है कम से कम 220 ग्राम 200 ग्राम ये बैठ ही रहा है। ये देखिए ये 200 ग्राम्स, मतलब कोई भी मिर्च जो है 200 ग्राम से नीचे है ही नहीं, ठीक है। अच्छा अभी एक छोटा सा कहेगी ना कि मैं अपने पिताजी से मिलाना चाहता हूँ, जिन्होंने कि पहले कह रहे थे ना कि यार ये 220 रुपए की बोतल लाया है, ये कराया है, ये पता नहीं अगर क्या असर करेगा मेरे को नहीं पता, आज उनका भी क्या है खुशी का मतलब वो नहीं है, ठिकाना नहीं है। तो एक मैं मौसाजी से बात कर रहा हूँ अपने पिताजी से,
हाँ जी सही, आप क्या आपको क्या लग रहा है कि ना कि भी आपने ये प्रोडक्ट यूज किया? पहले तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि शायद ही मतलब ये बच्चे मुझे यानी किस जंजाल में पड़ रहे हैं, पर अब आज इनको देख देख के मतलब अपने माल को देख के मुझे अच्छे ज्यादा खुशी हो रही है और मैं मान रहा हूँ कि मेरे बच्चे इसमें पूरी तरह से खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। तो आज क्या है ना कि इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है कि ना कि जब ये माल जो है आज ही हमारा चौथा लॉन्च जो है दिल्ली जा रहा है और इस माल को जब देखते हैं तो वो खुद मतलब गांव में भी और मैं भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि ना कि भी आपने इतना अच्छा माल निकाला है। तो दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं अभी ग्रुप में देख रहा था कि कई किसान साथियों को क्या है कि रॉक फास्फेट की बड़ी दिक्कतें हो रही हैं और हो रही हैं, तो मैं आपको फिर दोबारा अपने माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि कोई भी किसान साथी अगर मान लो हमारे से किसी तरीके की हेल्प हो सके तो मैं रॉक फास्फेट की हम अवेलेबिलिटी करा के देंगे और उनको एक जो एक हमारे जो मतलब कॉस्टिंग है उस कॉस्टिंग पे हम क्या है कि उनको देने की कोशिश करेंगे। ये हमारा प्रयास है, इस प्रयास में हम जितना अच्छा कर सकेंगे उतना अच्छा हम आपको करके देंगे। तो मैं आपको अपने नंबर के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी किसान साथी अगर मान लो चाहता है कि ना कि भी हमने किस तरीके से इसको काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम खेत का भी अपना क्या अलग से बनावट कर रहे हैं, मिट्टी में क्या क्या चेंज करने चाहिए वो भी चीज़ हम कर रहे हैं, पर सब कर रहे हैं हम क्या है कि ना कि डॉक्टर चंद्रा साहब और जगत सिंह जी की गाइडलाइन के अनुसार ही कर रहे हैं। हम कोई भी अपना एक्स्ट्रा जो है होता है जो हमें लगता है इसमें और एक्स्ट्रा एड ऑन हो सकता है वो सब करके हम ये प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो कोई भी किसान साथी अगर मान लो हमसे किसी तरीके की भी कोई हेल्प की जरूरत है या मतलब हमें पता कुछ जानकारी लेना चाहता है तो ये हमारा नंबर है 9891653686। बेझिझक फोन करें, हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हम किसान साथी की कोई हेल्प कर पाएं। थैंक यू सो मच क्योंकि आपने मेरे वीडियो को देखा और प्लीज जितना से जितना हो सके आप उसको देख के आगे हमें प्रोत्साहित कीजिए कि भी हमें आगे और इसमें क्या सुधार लाना चाहिए, यही मैं आपसे चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।